सनी देवल की छठी औलाद। हेलमेट के अंदर एक कवर आता है गत्ते का लगा हुआ, जिससे सेफ्टी होती है। सिर्फ ये प्लास्टिक का कवर है देखो, जो गत्ते के ऊपर, जैसे खेती बाड़ी का एरिया है, एकदम ग्रीनरी है सब जगह, इसलिए ताजी गोबर गू की हवा लग रही है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई थोड़ा ऐसा लग रहा होगा गोल गोल सा, तो मोटर व्लॉग पे मिलूंगा भाई। स्कूटी लेके जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कब पहुँचूंगा, कब आऊँगा, कितने बजे, कैसे, कितनी स्पीड में, मोटो व्लॉग पे बताऊंगा। कितने बज गए, बंद होगी? अरे ये कैसे बंद होगी? हैं डाउन हो गई, ले चार्जिंग पे लगा बोल्ट वाल लो, वो भी चार्जिंग पे लग रही है। पकड़, कोई बात नहीं, से जा रहा हूं। गेट फेर जा, राम राम जी। क्या हाल चाल है सभी के? तो उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है एक और व्लॉग में, दीपक व्लॉग टीवी पर। तो भाई मैटर है कुछ इस तरह, पहले निकलते हैं गांव से उस तरह, फिर बताता हूँ जिस तरह। देखो घड़ी तो अपनी चली नहीं जो टाइम बताऊंगा, बट टाइम हो रहा है लगभग, बज रहे हैं 6, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ मोदी नगर। मोदी नगर इसलिए क्योंकि कल हमारी प्लानिंग है जाके, मतलब कल की प्लानिंग है हमारी, जय श्री श्याम। पहले यहीं से निकला, बाद में सारे काम होंगे। भाई हाईवे पे जाके बात करता हूँ, देखो डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। ले भाई साहब, मोदी नगर पड़ता है हमारे इस साइड, पलोखा की तरफ जाना पड़ता, ठीक है। और मोदी नगर है यहाँ से 18 से 19 किलोमीटर वन साइड। और मोदी नगर में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मोदी नगर में जा रहा हूँ, छोटे वाले जीजा आ रहे हैं, और क्योंकि उनको क्यों लेने जा रहा हूँ। मैं यार क्या गुंडा बनूँगा यार, मैं बता ही नहीं पा रहा, समझा ही नहीं पा रहा। चलो एक बार मैं समझाता हूँ, मैं जा रहा हूँ मोदी नगर, मोदी नगर से छोटे वाले जीजा को लेके आऊँगा, उनकी बस वहाँ ड्रॉप करेगी उन्हें। वैसे वो गाड़ी या बस से भी, सॉरी गाड़ी या नहीं हो पाएगा आज, बस नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा, समझा नहीं पाऊँगा मैं। वैसे वो कार और बाइक से भी आ सकते थे, बट सिचुएशन ऐसी थी कि गाड़ी घर है नहीं और बाइक में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए बस से आना पड़ रहा है। तो मोदी नगर से मैं उनको पिकअप करके लेके आऊँगा, और उसके बाद कल की हमारी ट्रेन है वंदे भारत दिल्ली से, ठीक है। हम 3 मेंबर जा रहे हैं, कौन कौन वो मैं बताऊँगा कल ही भाई, ठीक है। तो कल तक का सफ़र करो, कल वाले व्लॉग में बताऊँगा कौन कौन जा रहे हैं। बस मैं इतना बता देता हूँ, हम 3 लोग जा रहे हैं, और जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। फिर से बाबा का बुलावा है, और इस बार जा रहे हैं हम नए एक्सपीरियंस के साथ। मैं वंदे भारत में आज तक कभी नहीं बैठा, तो इस बार वंदे भारत से जा रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहकर शेयर करूँगा। बाकी कल के ब्लॉग में कल की बात करेंगे, आज के ब्लॉग में सारा कल का ब्लॉग नहीं घुसड़ना है, ठीक है। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ लाखन, और यहाँ से देखता हूँ कितनी देर में पहुँचूँगा। वैसे वो आधे रास्ते आ गए हैं, और ये मिट्टी उड़ाएगा तो मैं फिर दिक्कत बन जाएगी, ठीक है जी। भाई साहब मैंने ये अंकल पे हेलमेट देखा, पहले हेलमेट देखो, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। इस हेलमेट के अंदर एक कवर आता है गत्ते का लगा हुआ, जिससे सेफ्टी होती है। सिर्फ ये प्लास्टिक का कवर है देखो, जो गत्ते के ऊपर, जैसे ये हेलमेट पहना मैंने, इसके अंदर एक फॉर्म का गद्दा होता है इतना मोटा कम से कम, जो सेफ्टी करता है हमारी। बट ये देखो हेलमेट कैसे, एक बार दिखा देता हूँ पास से। इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब वो है कि निकल के वेस्ट हो गया है, निकल के ख़राब हो जाता है ना, गिर गया है निकल के, कहीं खो गया या टूट गया है, गिर गया है, तो वो फॉर्म निकल गया, सिर्फ प्लास्टिक की इतनी सी लेयर है यार भाई, ऐसी है वो, हाथ से छुटके भी गिर जाएगा ना ऐसे, तो बचेगा नहीं यार। इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यार लाइफ के साथ। पहली बात तो पहन ही नहीं रखा, दूसरी बात अगर ले रखा है तो बेशक 200-250 का है, कुछ तो सेफ्टी करेगा, पर बस समझो बात भाई। आगे प्लग होगा टोल टैक्स, वैसे तो बहुत बार देखा होगा, फिर भी जब जा रहा हूँ तो दिखा दूँ यार एक बार। भाई का स्कूटी पे इतना, वैसे मुझे मज़ा बाइक चलाने में आता भाई, पर स्कूटी पे हाथ ऐसा बैठ गया है ना, ऐसे मतलब खिलौना सी लगती है ना, इतना मज़ा आता है, कंफर्ट जोन रहता है।
तो यहाँ से लेना है हमें अतरौली की तरफ। ये गए हम अतरौली, बस फाटक ना लगाओ, फाटक ना लगाओ, फाटक नहीं लगा है रे फाटक। लग भी जाते हैं मिनटों सेकंडों में। और ये फाटक लग गया ना भैया, एक ट्रेन नहीं दो ट्रेन निकलती हैं जब खुलता है। अरे भाई कितनी गंदी बदबू आ रही है भाई। ये है मीरापुर, मीरापुर है शायद बोर्ड, तो भैया मीरापुर के लग रहा था। ओ सनी देवल की छठी औलाद, टस से मस नहीं हो रहा औरत तेरी, औरत तेरी कैसा कर रहा। अब देखो यहाँ से जाएंगे हम बहुत आराम आराम से, सिंगल रोड मिलेगा, खाली रोड मिलेगा, आराम आराम से इन वादियों के मजे लेते हुए आराम से चलेंगे एकदम। उधर से आते हुए पर मुझे लग रहा है अंधेरा हो जाएगा, लग रहा क्या हो ही जाएगा इधर से अंधेरा हो लिया। वैसे मौसम ख़राब है ना इसलिए ऐसा है, वरना इतने टाइम तक थोड़ी और रोशनी रहती है। और भाई यहाँ थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल है क्योंकि सब जंगल एरिया है, खेती बाड़ी का एरिया है, एकदम ग्रीनरी है सब जगह, इसलिए ताज़ी गोबर गू की हवा लग रही है। फिर क्या हो गया यार, क्या बात कह दी, क्या कहूँ भाई, जो खेत जंगल है तो मतलब हवा तो ऐसी लगेगी ना, प्योरिटी कहाँ से आएगी फिर हवा के अंदर, यही प्योरिटी है। ये मारा हमने 180 डिग्री का यू टर्न, मतलब टर्न, और ये वाला और जंगल एरिया आएगा। देखो सूरज अभी इतने ऊपर है पर बादल की वजह से, इसका मतलब अभी तक धूप होनी चाहिए थी। देखो अभी पेड़ हटेंगे ना, देखो यार कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा रोड है ना, एकदम पेड़ ही पेड़ और मस्त। देखो ये सूरज दिख रहा होगा है ना, अभी बहुत ऊपर है, बादल की वजह से जो है सामने नहीं आ पा रहा। हाँ हाँ आ जा भैया, कैसे प्लेसिंग आता यार, अब बताओ क्या लोगे यार जिंदगी में, इतना बढ़िया रोड मिल रहा है ना, और ये हरियाली मिल रही है, स्कूटी मिल रही है चलाने को, और मतलब जिंदगी में क्या लोगे और क्या चाहिए जिंदगी में, समझ रहे हो। मोदी नगर 12 किलोमीटर भाई अभी यहाँ से, बोर्ड पे देख लिया मैंने अभी 12 किलोमीटर यार, इसका मतलब हमारी पार्टी पहले आ जाएगी हमसे यार, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। देखो पार्टी को तो हम वहाँ खड़े होने देंगे, आने तो जरा पार्टी को, हम पहले पहुँच जाएंगे, पता नहीं चलेगा माहौल में इसमें। यार मुझे एक ख्याल आया कि जैसे मैं मोटा व्लॉग बनाता हूँ और कपड़े की तो टेंशन मुझे होनी ही नहीं चाहिए, मैंने क्या पहन रखा क्या नहीं, अब देखो इसमें कुछ पता चल रखा चल रहा मैंने क्या पहन रखा, चाहे मैं नंगा चला लूँ बैठ के स्कूटी है भाई, पता थोड़ी चलेगा। वाह क्या आइडिया है भाई, आज से नंगा चलाया करूँगा आज के बाद स्कूटी या बाइक, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या पहन रखा, क्योंकि दिखता ही नहीं है कैमरे में। पर यार इन सब का क्या होगा जो ये सब बाहर है, इनको दिखूंगा मैं, ये तो सोचा ही नहीं, पर कोई बात नहीं, इनसे क्या लेना, मुझे तो आप सबसे लेना ना। ताऊ 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 देखो जी मैं पहुंच गया मोदी नगर, बस फाटक पहुंच गया और फोन धड़ाधड़ बज रहा है, पता है मैं स्कूटी चला रहा हूँ और पहुंचने वाली फिर भी कंटिन्यू तीसरी कॉल है, और अभी भी जाऊंगा ना और मिलूंगा तो कान पर फ़ोन मिलेगा, तो समझ जाना कि घंटी मेरे फ़ोन पे बज रही। हटे भैया 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 पीयूजी प्लीज, किधर है यूटन है ना, यूटन तो ये रहा, तो मैं जाऊं कैसे, अरे कहाँ हो, वो अब जावे ना फंस गया, बैठो। लो जी चल दिया हम घर की तरफ, अब आराम आराम से चलेंगे, उधर से तो भाग लिया मैं कैडी।
आज ले लिया मिठाई विठाई, यहाँ से मिठाई की दुकान पर आना था। ठीक है रिश्तेदार आया यार, कुछ तो लेवा के ले जाता है, ऐसे खा लिए जाते तो अच्छा सन लगता है, मन कर ले लो कुछ। अरे कहाँ गए? कह रहा हमारे रिश्तेदार ही गायब हो गए ना, देखूँ इसमें हेलमेट ना हुआ तो। सही वाह, क्या क्या रखा है, और कुछ गिरा तो ना। चलो ना, इन भी चल रहे, भीड़ ना होगी। ये लो जी हम वापस आ गए टोल टैक्स। हाँ टोल टैक्स पहुँच गए भाई, सादे वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, पहुँच जाऊँगा 5-1 मिनट में घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपने ख्याल रखो अपनों का भी, और रिश्तेदार की लाई मिठाई खाते रहो। चलो जी सभी को राम राम, कैसे करो यहाँ जगह नहीं मिल रही, राम मिल गई। चलो जी सभी को राम राम। ठीक से नहीं कर रहा भाई, पीछे रिश्तेदार बैठे हमारे, आज छोड़ के चला रही यार।